वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें आपको सोते समय अपने पास रखना नहीं चाहिए, वरना इसका बुरा प्रभाव आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो सोते समय आपको अपने पास जरूर रखनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां तो दूर होंगी ही, साथ ही आपके हर कार्य में आपको सफलता मिलने लगेगी और आपका मन भी शांत रहेगा, कलह कलेश दूर होंगे। बस अगर सोते समय आप ये चीज अपने पास रख लें तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे, मुरली वाले तेरी सदा ही जय हो। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए सुबह जागने का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो भी मनुष्य इस समय पर जागता है वो अपने जीवन में सुख सुविधा ऐश्वर्य और सफलता प्राप्त करता है। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले व्यक्ति को जीवन में कभी भी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसा व्यक्ति ईश्वर की कृपा सदैव पाता है। हमारे शास्त्रों में रात को सोने से लेकर सुबह जागने तक किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों के बारे में बड़ा ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है जो आज के विज्ञान के अनुसार भी लाभकारी है। शास्त्रों के अनुसार रोज रात्रि को सोते समय मनुष्य से कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से उसके जीवन में मुश्किलें आना शुरू होती है। मनुष्य को रोज सोते समय अपने पास कुछ चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इन चीजों से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। वास्तु शास्त्र में भी ये बताया गया है कि ये चीजें अगर कोई पास रखकर सोता है तो उसके जीवन में आर्थिक परेशानियां आना भी शुरू हो जाती है, उसके परिवार में कलह बढ़ने लगते हैं, आपसी प्रेम कम होता है और अचानक खर्चे भी बढ़ते हैं। इसके पीछे सिर्फ शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारण भी बताए गए हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में जो सोते समय अपने पास कभी भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय मनुष्य के पैर दक्षिण अथवा पूर्व दिशा में कभी भी नहीं होने चाहिए, अर्थात मनुष्य को अपने पैर उत्तर या पश्चिम दिशा में रखने चाहिए और अपना सिर पूर्व और दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। इस तरह से सोने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा अधिक मात्रा में संचार करती है और वो जीवन में सदैव ही उन्नति करता है, उसका मन सदैव प्रसन्न रहता है और उसे कभी भी असफलता नहीं मिलती। कई लोग ये गलती करते हैं कि सोते समय अपने सिरहाने पानी रखकर सोते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे दुर्भाग्य कारक माना गया है। सोते समय अपने सिरहाने जल रखने से व्यक्ति का चंद्रमा प्रभावित होता है और इसका असर उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको रात में पास में पानी रख के सोने की आदत है, आपको रात को पानी की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं ये भी आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सोते समय अपने पास या बेड के नीचे ही जूते चप्पल कभी भी ना रखें, इससे घर में दुर्भाग्य बना रहता है। चप्पल और जूते पैर में पहनने के साधन है और हमारे शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा इनसे ही होकर बाहर निकलती है। अगर हम इन्हें अपने पास रखकर सोएंगे तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ सकता है। जिस स्थान पर आप सोते हैं उस स्थान पर आपके सामने आईना बिल्कुल भी ना रखें। सोते समय आईने में अपनी छवि नहीं देखनी चाहिए और सुबह जागने के तुरंत बाद भी आईने में अपना चेहरा ना देखें। इससे व्यक्ति में डर और भ्रम पैदा होता है और बुरे सपने भी आ सकते हैं। साथ ही इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार का तेल ना रखें। तेल नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करने वाली चीज है। इसे अपने पास रखेंगे तो इसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने सिरहाने में किताब रखकर नहीं सोनी चाहिए। खासकर विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो इससे बुध ग्रह कमजोर होता है और साथ ही माँ सरस्वती का अपमान भी होता है। किताबें पढ़ने के बाद उन्हें उचित स्थान पर रखकर सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को अपने पैसों को कभी भी सिरहाने रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे अचानक से खर्च बढ़ते हैं और धन की हानि का सामना करना पड़ता है। धन को उसके उचित स्थान पर रखना चाहिए। धन का माँ लक्ष्मी की तरह ही सम्मान करना चाहिए, तभी उसमें वृद्धि होती है।
कभी भी अपने बेडरूम में किसी भी कोने में झाड़ू रखकर नहीं सोना चाहिए, इससे धन की हानि होती है और घर में तनाव की स्थिति बनी रहती है। ये बात भी ध्यान रखें कि सोने से पहले अपने बिस्तर को अच्छी तरह से साफ सुथरा रखें और स्वयं भी सोते समय अपने हाथ पैर धोकर साफ सुथरे होकर ही सोना चाहिए, इससे बुरे सपने नहीं आएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से सोते समय हमें इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। लाइफ में अगर आपको लगातार असफलता या फिर किसी तरह के मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है तो आप वास्तु शास्त्र का सहारा ले सकते हैं। इसमें बताए गए कुछ आसान से टिप्स जिन्हें अगर आप फॉलो कर लें तो तमाम मुश्किलों से आपको छुटकारा मिल सकता है। बता दें कि वास्तु में इन टिप्स के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको घर में ही सारी वस्तुएं मिल जाएगी। आपको बस इन्हें सोते समय अपने पास रखना है। इनमें से कोई भी एक चीज अगर आप अपने पास रखते हैं तो आपके जीवन में आपको वो सफलता के मुकाम देखने को मिलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आइए जानते हैं वास्तु के ये टिप्स क्या हैं और कैसे ये आपकी जिंदगी को खुशियों और संपन्नताओं से भर सकते हैं। दोस्तों, नंबर एक, गीता या सुंदरकांड। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके घर में या आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, कुछ समय से आपके सभी काम अचानक बिगड़ रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल पा रही है अपने कामों में और आपका मन अशांत रहता है तो वास्तु कहता है कि अगर सोते समय आप अपने सिरहाने गीता या सुंदरकांड रखकर सोएं तो इससे मन शांत रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे दिन भर ताजगी बनी रहती है, कार्य क्षेत्र में प्रदर्शन बेहतर होने से जातक को लाभ और उन्नति मिलती है, इससे गुरु ग्रह का शुभ प्रभाव भी बढ़ता है। दोस्तों, नंबर दो, मूली से दूर होता है राहु दोष। ज्योतिष शास्त्र में राहु को एक पापी ग्रह माना गया है क्योंकि यह ग्रह लोगों की जिंदगी में बाधाएं पैदा करता है। अगर आपकी कुंडली में राहु दोष है तो इसके कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके अलावा आर्थिक नुकसान, मान प्रतिष्ठा और धन वैभव से भी व्यक्ति हाथ धो बैठता है। तो इसमें से कुछ भी अगर आपके साथ हो रहा है तो समझ जाइए कि राहु दोष के कारण ही हो रहा है। ऐसे में वास्तु शास्त्र के अनुसार मूली को रात में सिरहाने रखकर सोएं और सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। लाल किताब के अनुसार इस उपाय से राहु का दोष दूर होता है, साथ ही आपकी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, नंबर तीन, साबुत मूंग दाल। दोस्तों, जब किसी का बुध ग्रह कमजोर होता है तो उस व्यक्ति को त्वचा संबंधित और भीतरी रोग, गुप्त रोग होने की आशंका रहती है। इसके प्रभाव के कारण व्यक्ति को व्यापार, व्यवसाय या नौकरी में भी हानि हो सकती है। व्यक्ति की निर्णय क्षमता कमजोर हो जाती है और उसका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बुध ग्रह प्रबल हो जाए और इस तरह की समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए तो मंगलवार की रात में मूंग दाल को हरे वस्त्र में बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। सुबह उठकर मूंग दाल को किसी कन्या को देना चाहिए अथवा मंदिर में दुर्गा माता के चरणों में रखाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय से बुध का अशुभ प्रभाव दूर होता है। बिजनेस और आय में वृद्धि के साथ ही इस उपाय से पति पत्नी के संबंध भी मधुर होते हैं। दोस्तों, नंबर चार, सिरहाने के नीचे रखें जल। सोने से पहले तांबे के बर्तन में जल भरकर रख लेना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि आपको अपने सिरहाने जल रखकर नहीं सोना चाहिए, लेकिन दोस्तों, अगर आप रखना चाहते हैं तो तांबे के बर्तन में जल रखकर आप सिरहाने रख सकते हैं। सुबह उठकर इस जल से चेहरा धोएं और किसी ऐसे स्थान में जल को डाल दें जिससे इस पर पैर ना लगे। इस उपाय से सूर्य मजबूत होता है और चेहरे पर तेज आता है, साथ ही नौकरी में प्रभाव और उन्नति के अवसर मिलते हैं। पैतृक संपत्ति में लाभ के लिए भी मनुष्य ये उपाय करे तो बहुत ही कारगर माना जाता है। दोस्तों, नंबर पाँच, सुगंधित पुष्प से जीवन में आता है रोमांस। वास्तु विज्ञान के अनुसार सोने से पहले अगर आप अपने सिरहाने सुगंधित पुष्प रखते हैं, अगर पुष्प ना हो तो एक साफ वस्त्र पर सुगंध लगाकर आपको अपने सिरहाने रख लेना चाहिए। इससे शुक्र का प्रभाव बढ़ता है और नींद अच्छी आती है। ध्यान रखें कि सुगंध ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, हल्की सुगंध होनी चाहिए। इससे मानसिक तनाव कम होता है और विचारों में रोमांस बढ़ता है। इससे वैवाहिक जीवन आनंदपूर्ण होता है और कार्य क्षेत्र में भी प्रगति मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।